अब बलोचिस्तान में ये देखते हैं कि जो एजुकेशन के या तालीम के लेवल्स हैं वो क्या हैं अब तालीम के लेवल में हम ये देखते हैं कि एजुकेशन प्रोविंस इज डिडेड इन टू द स्कूल सेक्टर हायर एजुकेशन टेक्निकल टेक्नील एजुकेशनल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर यानी एक तो जो है हम देखते हैं कि स्कूलों का सेक्टर है दूसरा हायर एजुकेशन का है फिर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का है और फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंगली लिटरेसी और नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन का सेक्टर है वो भी साथ साथ जो है वो डिवेलप कर रहा है अब स्कूल सेक्टर के हम देखते हैं कि कुछ लेवल्स जिनमें पहला लेवल जो है उसे प्री प्राइमरी कहा जाता है और वो जिसे हम कच्ची जमात कहते हैं कि ये वो क्लास है जो कि उन बच्चों के लिए है जो अनएडमिटेड है अभी स्कूल में इंड ऑफ अ प्री स्कूल दैट दे आर रनिंग सेकेंडली हम ये देखते हैं किस रन द रिफॉर्म्ड कच्ची क्लासेस विच रन दीज ऑन देश ऑफ द न्यू नेशनल कारिकुलर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन डेवेलप्ड ऑन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन यानी ऐसा है कि बहुत कम जो पब्लिक इदारे हैं सिलेक्टेड है वो कह रिफॉर्म्ड कच्ची क्लासेस को वो रिफॉर्म्स क्या है जिसके अंदर हमने इंक्लूड यह किया है के नेशनल करिकुलम को वजह किया गया उन खतूत पे जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है जिसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनली कंपेरेबल हैं अब ऐसों के ऊपर जो है हम देखते हैं कि बड़े सिलेक्टेड स्कूल्स हैं जो कि ये एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद प्राइमरी आ जाती है प्राइमरी सेक्शन जो है वो ग्रेड एक से पांच तक का जो है उसको हम प्राइमरी कहते हैं इस तरह के जो ज्यादातर स्कूल्स हैं आर एक्सक्लूसिवली प्राइमरी

वो फॉर्म होती है और प्रोग्रेशन फिर उसी तरह से होता है जिन सब्जेक्ट्स को मोस्टली बच्चे इन क्लासेस में चूज करते हैं और फिर आर्ट्स या साइंस की स्ट्रीम को अगर हम ले लेते हैं तो फिर फर्दर जो एजुकेशन है इन टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मोस्टली वो इन्हीं एरियाज के अंदर कराई जाती है हायर सेकेंडरी अब हायर सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं तो देर इज ओनली वन हायर सेकेंडरी स्कूल इन द प्रोविंस यानी सूबे में सिर्फ एक स्कूल है जो कि हायर सेकेंडरी है जो कि केटर कर रहे हैं ग्यारहवीं और बारहवीं जमात को और ये किसके अंदर रन कर रहे प्रोविंशल सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अब कारिकुलम जो है फॉर दिस लेवल इज पार्ट ऑफ दल स्कूल कारिकुलम ट्रडिशनली जो प्रिपेयर किया जाता था फेडरल मिनिस्ट्री के तहत लेकिन डेवोल्यूशन के बाद अठारवी तरमीम के बाद अब जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और मेजोरिटी ऑफ हायर सेकेंडरी क्लासेस आर कंडक्टेड इन कॉलेजेस रन बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जबकि जो कॉलेजेस की क्लासेस हैं वो मोस्टली ग्यारहवीं और बारहवीं कॉलेज में ही तालीम दी जाती है और उसको हम देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो ही उन्हें रन करता और मैनेज करता है एडिशनली हायर सेकेंडरी लेवल ऑल्सो एग्जिस्ट इन दलीट पब्लिक स्कूल रन बाय दायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और कुछ ऐसे नुमाया जो स्कूल है उसके अंदर भी हम देखते हैं के हायर सेकेंडरी लेवल की क्लासेस जो हैं उन्हें इम्पार्ट किया जाता है बोथ दिस सेट ऑफ हैव हैव क्लासेस ग्रेड टू इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट यानी नुमाया खूसियातियां हैं कि एक तो जुबान जो है वो अंग्रेजी है जिसमें तालीम दी जा रही है उसके साथ साथ ये छठी से लेके बारहवीं तक यह इंस्टीट्यूशन है और फिर उसके बाद जो इनमें एक मेजर फैसिलिटी ये है कि ये बच्चों को जो है वो बोर्डिंग की फैसिलिटी या रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अभी एक बहुत नुमाया और बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है क्योंकि हमने देखा था कि सुबह बलूचिस्तान के अंदर एक्सेस जो है वो बड़ी मुश्किल है और डेली बेसिस पे एक्सेस से यह बेहतर है कि अगर बोर्डिंग स्कूल हों इट इज ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन दी कॉन्टेक्सट ऑफ सच अ ट्रेन विच इज डिफिकल्ट टू हैंडल